तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। जी दादी, जी दादी, जमशेदपुर से एक खबर आ रही है, गोलमोरी थाना क्षेत्र से कुछ लोग पहुंचे हुए हैं एसएसपी कार्यालय, क्या मामला है? जी देखिए, आपको बता दें, जमशेदपुर के गोलमोरी थाना क्षेत्र का ये मामला है। आज एसएसपी कार्यालय कुछ महिलाएं पहुंची थी। ये मामला आपको बता दें, सुसाइड का मामला है। कुछ दिन पहले जो महिला जो सुसाइड की थी, उस मामले को लेकर के अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है, ये कहना है लड़की के परिवार वालों का, इसीलिए ये लोग पहुंचे थे एसएसपी कार्यालय। जी क्या एसएसपी साहब इनसे मिले? देखिए, इन लोगों ने अपना एक आवेदन दे दिया है थाना में, और आगे देखते हैं क्या होता है। इस बात को लेकर के ये लोग पहुंचे हैं, न्याय चाहिए, ये कहना है लड़की के परिवार वालों। जी धन्यवाद जय जी, खबर के लिए बने रही जमशेदपुर से सोना न्यूज के लिए। एसपी से मिलने के लिए आए हैं, न्याय मेरी बेटी को चाहिए, और इसलिए चाहिए उसको फांसी दे के मार दिया गया है। और अभी तक 29 सितंबर की रात की बात है, ये 30 तारीख को हमने एफआईआर दर्ज करा है, अभी तक हम लोग को कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं एसपी ऑफिस से मिलने। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि उन्हें गिरफ्तारी किया जाए और जल्द से जल्द उन लोगों को अंदर में लिया जाए, सही इंसाफ जो है वो हम लोग को मिले। एक छोटा बच्चा भी है, उस बच्चे के लिए कम से कम इंसाफ के लिए हम लोग चाहते हैं। बच्चा किसके पास है? बच्चे भी हम लोग अपने पास रखे, जब माँ को मार दे तो बच्चे को मारने में कितना समय लगे, क्या चाहता है कोई? उसकी कोक कौला की क्यों ले हम? जब माँ से मोहब्बत नहीं तो बच्चे से कौन मोहब्बत करता है? क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम सोनम परवीन। किनके ऊपर मामला दर्ज कराए? हम उसके ऊपर में उसकी सास, उसकी ननद और एक देवर है, उसकी देवर के ऊपर में एक नानी माँ है जो सबसे बड़ी कुटनी है, वो बैठे रहती है और हर दिमाग देते रहती है, और उसकी शोहर जो है मोबाइल के द्वारा टॉर्चर करता था दिमाग, मेंटल दिमाग। कहाँ से? बाहर के, सऊदी अरब में है। चार महीना हुआ जाकर वो हमेशा मोबाइल में टॉर्चर करता था, दहेज के लिए लालची था एक नंबर का, जो कुछ दिन तो सही रखा बेटी को, उसके बाद उसको दहेज के लिए हमेशा टॉर्चर करता था, हमेशा। जब लड़की आती थी, जब लड़की दो जानती थी तो घर भेज दिया था डिलीवरी के लिए घर भेज दी गई, जाओ तुम अपने माँ बाप से करो, हम लोग इतना खर्च तुम्हारा नहीं उठा सकते। बड़ा तब भी वो मेरे घर में भेजी। क्या क्या किया? हम चाहते हैं इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए, और उस बच्चे के लिए का हम लोग को चाहिए कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए, और गिरफ्तारी द्वारा उन लोगों के ऊपर जो आरोप है उसको कहते हैं हमने छानबीन किया जाए, सरकार छानबीन करे और उसको जल्द जल्द सजा मिले। और उसके परिवार वालों का कहना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिना परवीन, मैं उसकी पुप्पी हूँ। नंबर लेके निकल जाओ। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम रहते हैं मगदाबी का, हम लोग वहाँ रहते कोपाली में। कहाँ पे लड़की का ससुराल? मैकेट है ससुराल? ससुराल है सो गोलमुरी में। जी हाँ, लेडीज मेंस और किड्स वेयर का एक्सक्लूसिव शोरूम जयशील गारमेंट्स, लेडीज मेंस एंड किड्स वेयर, हमसे सस्ता कोई नहीं, बैग 50% डिस्काउंट पर। साथ ही साथ यहाँ मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक डिजाइनों में स्लीप वेल मैट्रेस 10% के डिस्काउंट के साथ, कुछ नियम एवं शर्तों के साथ। साथ ही साथ पिल्लो, कुशन, बेड शीट, कम्बल, चादर की भरपूर रेंज मिलेगी आपको हमारे जयशील गारमेंट्स में। पता याद रखेंगे, फर्स्ट फ्लोर जयशील कॉम्प्लेक्स, न्यू बुंडू रोड, ओवर ब्रिज के सामने।